यहाँ पर आपको बताएं कि सीवरेज के मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ वास्ता की हदूद भी बढ़ेगी। वास्ता के नए मास्टर प्लान पर अमल दरामद को सर्विस एरिया से मशरूत कर दिया गया है। मुस्तकबिल में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने के साथ वास्ता के एरिया में तोसी की मंजूरी भी ली जाएगी। वास्ता ने मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 95 अरब रुपए के फंड की डिमांड कर रखी है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन, ये शहर लाहौर में सीवरेज के मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ वासा की हदूद भी बढ़ाने का प्लान बना लिया गया है। लाहौर में वासा के नए मास्टर प्लान पर अमल दरामद को सर्विस एरिया से मशरूत कर दिया गया है। मुस्तकबिल में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने के साथ साथ वासा के एरिया में तुसी की मंजूरी भी ली जाएगी। वासा ने सर्विस एरिया बढ़ाने और मास्टर प्लान पर अमल दरामद के लिए जामे प्लान बना लिया है, जिसके मुताबिक वासा मजीद 5 स्कीमें शुरू करके सर्विस एरिया में 200 किलोमीटर का इजाफा करेगा। वासा की तरफ से शहर के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 95 अरब रुपए के फंड्स की डिमांड रखी गई है, जिसमें लारिक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक टनल बोरिंग का प्रोजेक्ट हुकूमत को पेश कर दिया गया है। इस मंसूबे के लिए 50 अरब रुपए के फंड्स का तकाजा किया गया। वासा ने रिंग रोड से BRB तक नया ट्रंक सीवर बिछाने की भी इस्तदा की है। मौजूदा सूरत हाल में रिंग रोड से BRB कैनाल तक कोई ट्रंक सीवर मौजूद नहीं है। वासा ने इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए पंजाब हुकूमत से 20 अरब रुपए के फंड्स का तकाजा कर दिया है। इसके अलावा बरकी रोड पर भी नया सीवरेज सिस्टम बिछाने के लिए 15 अरब रुपए का प्लान पेश किया गया है। जी ठीक है जैन, शुक्रिया।